नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पे। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि शुभ जोड़ा क्या होता है, किन ऐसे जानवर हैं जिनका हम घर में लगाएं और हमें जो है उसका अच्छा फल प्राप्त हो। या दोस्तों, बहुत सारे जानवर होते हैं जिन्हें हमें घर पर नहीं पालना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके हम घर में तस्वीर लगाएं और जिसका हमें प्रतिकूल फल प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन उसे दबा कर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी से भी आप जो है इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि शुभ जोड़ी, या दोस्तों घर में ऐसी कौन सी शुभ जोड़ी जिसे आप रखें तो आपको जो है निश्चित इसका लाभ होगा। घर में जो है मोर, गाय, हंस, बतख, हिरण जैसे अच्छे अहिंसक पशुओं के चित्र या मूर्ति रखना चमत्कारी लाभ माना जाता है। दोस्तों, तो कभी भी आप रखें घर में तो जो है मोर के जो है चाहे तो आप ड्राइंग रूम में मोर की जो है फ़ोटो लगा सकते हैं जोड़ के रूप में, गाय के लगा सकते हैं, गाय का बच्चा और गाय की पूरी फैमिली के साथ लगा सकते हैं, हंस का आप जो है लगा सकते हैं, बतख के भी खूब सारे आप फोटो लगा सकते हैं, जोड़े लगाने हैं दोस्तों इसमें, हिरण इसके भी आप जोड़ा लगाइए। ये सब अहिंसक पशु हैं, इनके चित्र लगाइए। बहुत सारे लोग घोड़े का चित्र भी लगाते हैं, आप घोड़े का भी लगा सकते हैं, कुछ लोग फिश के भी लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं आप चाहे तो, या फिर अगर आप फोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मूर्ति के रूप में भी आप इसे अपने रख सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखीमय बनाना है, वहीं भाग्य को जगाना है तो इस तरह के जो है आप जो है फोटो लगाए घर में, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, सब पॉजिटिव लाभ मिलेगा। दोस्तों, नकारात्मक चीज़ें घर में ना लगाएं, या दोस्तों घर के अंदर में कांटेदार चीज़ें ना रखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको ना रखें। घर में जो है आप जो है साफ़ सफाई अच्छे से रखें, निश्चित आपको इस जोड़े लगाने जो जोड़े की फ़ोटो है या फिर जो है मूर्ति है लगाने से आपको राहत मिलेगी, फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।